गाइस अभी के टाइम पर आप लोगों ने कुछ इस प्रकार की मोटिवेशनल रील्स जरूर से इंस्टाग्राम पर देखी होंगी जो कि इस समय बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं। तो कैसे इन्हें एडिट करते हैं, आइए आज की इस वाली वीडियो में जानते हैं। तो ऐसी वीडियोस एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग के फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन का इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इमेज साइज वाले ऑप्शन पर चले जाना है, जहाँ पर आपको विड्थ देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको इसे 720 कर देना है एंड ओके कर देना है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट देखने को मिल रहा है इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर लेंगे। अब आप लोग को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। अब मैं आपको 2 से 3 इमेजेस प्रोवाइड कराऊंगा, इन इमेज में से कोई भी एक इमेज आपको सेलेक्ट करनी है, देन 9:16 रेशियो को सेलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक कर देना है। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब पूरी स्क्रीन पर ले आते हैं इस इमेज को। कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको कुछ काम करना है, वो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप लोग को तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है एंड अब यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर फिल्टर का, इस पर आना है एंड ब्राइटनेस को यहाँ से आप लोग कम करेंगे, इसे आप लोग 55 के करीब कर लेना माइनस की, देन राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, इसे लॉक कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको टू लाइन्स की शायरी लिखनी है, उससे पहले यहाँ पर हम लोग राधे राधे लिख लेते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी और गॉड के बारे में ले रहे हैं ना पीछे बैकग्राउंड में इमेज, तो उनके बारे में जैसे राम जी को ले रहे हैं तो जय श्री राम ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग राधे राधे लिख देते हैं पीछे, देन ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग को ए वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आप लोग को फॉन्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोग को इस वाले फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड अब हम लोग चले जाते हैं कलर वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर आप लोग जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोग चूज़ कर लेना। यहाँ पर मैं येलो कलर को चूज़ करूँगा, देन राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को शैडो वाले ऑप्शन का आकर इनेबल करना है एंड सेम कलर आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि आप लोगों ने अपने टेक्स्ट में सेलेक्ट किया था, देन राइट क्लिक करना है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें ग्लो इफेक्ट जो है ऐड हो चुका है एंड इसके साइज को यहाँ से आप लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेना, देन आप लोग को फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन टेक्स्ट पर चले आना। अब यहाँ पर आप लोग को अपनी शायरी को लिखना है, शायरी के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट का जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग को 200 से ज़्यादा शायरीज़ देखने को मिल जाएंगी, तो इनमें से जो भी शायरी आपको बहुत बढ़िया लग रही हो उसे यहाँ से कॉपी कर लेना। अगर यहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से डायरेक्ट इस प्रकार से कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक लाइन को कॉपी करेंगे एंड उस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट करना है, देन इसे हम लोग नीचे की ओर ले आते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप लोग को फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पर सबसे पहले वाले फॉन्ट को यहाँ पर आप लोग यूज़ कर लेना एंड जैसे हमने उसमें करा था इसमें भी हम लोग शैडो को इनेबल कर देंगे एंड वाइट कलर कर देंगे इसका। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड अब इस पर आपको डबल टैप करना है नई वाली लेयर पर एंड जो शायरी का आगे का पार्ट है वो अब यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपकी शायरी है जो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना जिस भी अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर ठीक लगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ठीक लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर लेंगे एंड इस वाली इमेज को यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इमेज एक्सपोर्ट हो गई। अब आप लोग को एक एप्लीकेशन की जरूरत होने वाली है जिसका नाम है एलाइट मोशन, इसे हम लोग अपने फ़ोन में ओपन करेंगे। एलाइट मोशन ओपन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो, मीडिया पे जाओ और उस वाली इमेज को सेलेक्ट करो जिस पर अभी हमने शायरी लिखी थी। अब यहाँ से हम लोग पहले तो इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे जितना आप लोग रखना चाहते हैं और अगर आप लोग ऑडियो यूज़ करें ना तो अपनी शायरी के अकॉर्डिंग करना जैसी भी आप लोग रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को एक इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाना है एड। यहाँ पर आप लोग को WAB वेव लिखना है तभी यहाँ पर आपको वेव रेप देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग फ्रैक्टल वेव लगाना चाहते हो तो ये लगा देना, तो मैं इस वाले को यूज़ करूँगा एंड इसकी हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाते हैं। आप सबसे पहले एक की फ्रेम लगा दो शुरू में, अब लास्ट में आ जाना एंड जो एक्स है इसको हम लोग ले जाएंगे 499 तक, ठीक है। तो हम इसको ले जाते हैं बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग को करना, तभी आप लोग का इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो पाएगा। अदरवाइज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है क्योंकि एलाइट मोशन मतलब है तो सरल लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उन्हें आप लोग को ढंग से समझना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इतना हो चुका है। अब हम लोग बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड सेम आप लोग को इसको भी इतना ही कर देना है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग को मैग्नीट्यूड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पर आप लोग लेके आएँ, इसे आप लोग रखना 0.005 पर। देन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका इफेक्ट है जो यहाँ पर यूज़ हो चुका है। हम इस वाली वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इस वाली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेने के बाद अब आप लोग को अपने फ़ोन में कोई भी एक VPN को कनेक्ट करना है। VPN इसलिए कनेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग कैपपैड का यूज़ करने वाले हैं। अब आप लोग को अपने फ़ोन में कैपपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर हम लोग अपनी सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, देन HD में इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर बस आप लोग को एक इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाओ, वीडियो इफेक्ट्स पर चले जाओ, एंड यहाँ पर आप लोग को लेंस में आ जाना है। अभी लेंस में ही आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा एज ग्लो करके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इफेक्ट आपका ऐड हो चुका है। यहाँ से आप लोग ग्लो के इफेक्ट को और मतलब बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा लेना, अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी वीडियो जो बन जाएगी। अब इस इफेक्ट को आप लोग कर लेना पूरी वीडियो में, एंड यहाँ से अब आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।